पापा थे, कितने भाई हो? तीन भाई एक बहन है। थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ था और कहिए तो उनके यहाँ लेकर गए थे, मेडिकल चलाते हैं वो, मेडिकल का दुकान है उनका, अलीराजा अंसारी, तीन गो इंजेक्शन दिए, तुरंत ही डेट कर गए वहाँ वगैरह जो भी इनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जो उसमें ये मेरे तरफ से क्लिनिकली मिल पाएगा। इस समय हर जगह फर्जी डॉक्टरों की भरमार पड़ी हुई है। इस समय हम लोग सिवान जिले के घुटनी प्रखंड में हैं। यहाँ चित्ताखाल पंचायत में एक व्यक्ति थे जिनको फर्जी डॉक्टर ने गलत सुई पेट में गड़बड़ी थी, दर्द हो रहा था और उसके पास उसके परिजन ले गए, उसके बाद उन्होंने तीन सुई लगा दी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई वहीं पर। यहाँ पर अस्पताल में लेकर आए हैं सरकारी घुटनी में, यहाँ पर मौत हो गई है उनकी। अब बोलने वाले बोल रहे हैं कि वहीं पर मौत हो गई थी, कुछ लोग बोल रहे हैं आने के बाद हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे चित्ताखाल गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अरे चित्ताखाल के मुखिया है, क्या हुआ था? उसमें थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ था और कहिए तो उनके यहाँ लेकर गए थे, मेडिकल चलाते हैं वो, मेडिकल का दुकान है उनका, अलीराजा अंसारी, तीन गो इंजेक्शन दिए, तुरंत ही डेट कर गए वहाँ, वहीं पर डेट कर गए, वहीं पर कर गए। अवैध तरीका से दवा जो पढ़े लिखे नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, बहुत ज्यादा दिन से वो मेडिकल चलाते थे। मेडिकल का सर्टिफिकेट है कि नहीं? अभी तो बताएगा सर्टिफिकेट है कि नहीं है, लेकिन मेडिकल चलाते हैं, जिसके चलते जो दो इंजेक्शन तीन इंजेक्शन लगाए हैं उसके चलते डेट हो गया है। इस पर तो हम घोर चिंता व्यक्त करते हैं कि पहले भी ऐसे कभी कुछ हुआ था उनके थ्रू, कोई इंजेक्शन दिए थे या गलत दवा दिए थे जिसे? तो देखिए गलत दवा देने लगता तो था, यह है व्यवस्था, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का था तो लोग पर लोग समझ जाते हैं, लेकिन अभी जो मौत हो गया है वो कहिए तो एक मर्डर हो गया है, हत्या कर दी, इस परिवार को कौन देखेगा? उनका जलते अगर बस का नहीं था तो उनको सुई नहीं लगना चाहिए था। क्या नाम था इनका जिनके? सुदामा सानी नाम है इनका। कितना उम्र है? उम्र है 45 वर्ष, 44 वर्ष है उम्र उनका। देखिए यहाँ पर उनके परिजन भी आए हैं, यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है, क्या हुआ था जब यहाँ बॉडी आया? जब ये आए थे तो ये ऑलरेडी डेड, जो मतलब क्लिनिकली डेड थे, मैंने देखा कैरोटिड पल्स वगैरह जो भी, इनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जो उसमें ये मेरे तरफ से क्लिनिकली मृत पाए गए, मृत ही आए थे, जो मैंने एग्जामिनेशन किया उसके अकॉर्डिंग ये लोग बोल रहे हैं तीन इंजेक्शन गलत दिए, मालूम नहीं है कौन सा इंजेक्शन है। पोस्टमार्टम का पार्ट है, अब मैंने यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए इशू कर दिया, ये अब सदर में जाएगा, वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा, देन आफ्टर वो क्लियरिफाई होगा कि किस वजह से मरे हुए हैं। आपका पर्चा? मैं डॉक्टर नीरज कुमार, यहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी, CHC घुटनी। बाबू बाबू क्या हुआ था वहाँ पे? पापा को गए थे खेत में धान काटने के लिए, पापा को एक बैग एक सीने में दर्द हो गया, पापा को लेकर मम्मी को बोले लेकर जाइए आप, मम्मी लेकर चली आई, ले आकर दवाई कराई, और लगेंगे वो लगेंगे दवाई किए चाचा लगेंगे नहीं, वो मम्मी के चाचा हम लोग को बताया बाबा लगेंगे जो दवा किए वही लगाए। क्या किए हो ले जाने के बाद? सुई लगाई मम्मी वही पति। कितना सुई लगाए हैं? दो तीन लगाए, सुई लगाए। तो मौत वहीं पर हो गई अस्पताल आने के बाद? नहीं बाबू रास्ते में हो गया। पापा थे, कितने भाई हो? तीन भाई एक बहन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिजनों का बुरा हाल हो चुका है, हम लोग वहाँ ले चलते हैं जो डॉक्टर लगाया है, झोला छाप डॉक्टर जो सुई लगाया है उसके यहाँ लेकर चलते हैं, उससे बात करते हैं कौन सा सुई लगाया था, क्या मामला है। इस समय हम लोग उस डॉक्टर के घर पे आ गए हैं जो जिस डॉक्टर के तीन सुई देने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यहीं पर मेडिकल स्टोर है, इसी में मेडिकल चलता है इस गाँव में, और यहीं पर इसका भी लाइसेंस नहीं है मेडिकल स्टोर चलाने का, और डॉक्टरी का भी सर्टिफिकेट नहीं है, ये सब फर्जी लेकर बैठे हैं। यहाँ पर कोई भी आता है सुई लगा देते हैं, मेडिकल स्टोर भी खोलकर बैठे हैं, ये इसी लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो गई है। देख सकते हैं यही इनका घर है, इसी में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। आप लोग जानते हैं इनके बारे में? ये गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कोई भी नहीं बता रहा है। ये क्या नाम है इनका? ये घर के नहीं रहुआ? ये घर के नहीं का नाम है जे सुई लगीला सा? सुई लगलन तब ना तो हम उनको दूगो रहल का जाने कौन कौन नाम राउ लड़का हुआ नो। अपने लड़का के नाम नहीं के जाना का है तो बोले का हम बोलिए दादा उनका कौन अरे कहां गईला हन कहां गईला तो भाई के तो गुठनी गोल बणन जाई ना गुठनी कहां गईल बा गुठनी से आवत नहीं के
तो गुठनी मेडिकल में कनी गोइल होई ओई जसन दवाई ले आवे गुठनी में नहीं खन गुठनी से हम निकाल तानी के त एने कहां बड़न एने एने से नहीं खन ओ गोइल हल तना के थोरा थोरा देर के बाद निकल लहन गोइल लहन एक आदमी के दवाई दे लहन से गोइल लहन। अब यहाँ घर पर हम लोग पहले आए तो यहाँ घर वाले बोल रहे हैं कि वो नशा में आए थे, नशे में सुई लगाए हैं, मौत हो गई है। ये अपना दोष नहीं दे रहे हैं, बिना लाइसेंस का मेडिकल स्टोर खोलकर बैठे हैं और डॉक्टरी यहाँ पर लोगों को सुई लगा रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं, बिना लाइसेंस बिना सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, फर्जी बनकर बैठे हैं और लोगों का इलाज करेंगे ऐसे ही मार देंगे ये लोग। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह कैमरा मैन धनंजय यादव के साथ दबंग 24 से धन्यवाद।